ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी ये मिठाई तैयार हुई है। जिस तरह आप मार्केट या बेकरी से ये शक्करबारे लेकर आते हैं वैसी ही ये तैयार हुई है, अंदर से एकदम ये जालीदार तैयार हुई है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम 1 लीटर के करीब सिंपल पानी लेंगे। इसको हम लाल कलर यानी ऑरेंज कलर डालकर पानी तैयार कर लेंगे। आधा चम्मच के करीब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये पानी हम दो जगह इस्तेमाल करेंगे, एक चाशनी बनाने में और दूसरा आटा गूंदने में। पानी हमने बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम आटा गूंद लेते हैं। जो हमने एक कलर वाला पानी बनाया था वो हम एक गिलास परात में डाल देंगे। 150 ग्राम हम इसमें मेल्ट किया हुआ ऑयल या घी डालेंगे। 5 ग्राम अल्मोनियम कार्बो ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास अल्मोनियम कार्बो ना हो तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी 1 चम्मच भर के। अब हम 1/2 किलो मैदा ऐड करेंगे। अब हम आटे की तरह गूंद लेंगे। अगर आपको शक्करबारे का कलर मजीद डार्क चाहिए तो आप चुटकी बार इसमें मजीद कलर शामिल कर सकते हैं। अगर हमें मजीद पानी डालने की जरूरत हुई तो हम ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी साथ साथ ऐड करेंगे। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रहे हैं जिसमें हमने कलर मिक्स किया था। अब हम गूंद कर नीट कर लेंगे। अब हम इसको लंबाई में बेल कर छोटी छोटी गोलियां तोड़ लेंगे। 1/2 किलो के करीब हम चीनी लेंगे। जितना हमने मैदा लिया था उतने ही हम चीनी लेंगे। 2 गिलास के करीब हमने जो पानी तैयार किया था कलर डाल के वो ऐड करेंगे। दो से तीन ड्रॉप हम इसमें केवड़ा एसन डालेंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। 1 से 2 बॉयल आने तक वेट करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम थिक नहीं करेंगे बल्कि एक तार की चाशनी हम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 बॉयल आ गए हैं, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम शक्करबारे फ्राई करते हैं। हल्का सा हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, बहुत तेज भी हम ऑयल को गर्म नहीं रखेंगे। आंच आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। अभी तक ये शक्करबारे घी की तह में बैठ गए हैं। जब हल्के से ये फ्राई हो जाएंगे तो ऊपर तैरने लगेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। आज हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। हल्का सा हम इस तरह टच करेंगे। ये देखिए ऐसा ऐसा ये ऊपर तैरना शुरू हो गया है। अब हम हल्का सा मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। सात से आठ मिनट गुजर चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम शक्करबारों को निकाल देंगे। अभी हम तकरीबन 1/2 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम चाशनी में डालेंगे। इसी तरह ये हम सारे शक्करबारे फ्राई कर लेंगे। सारे शक्करबारे हमने फ्राई करके परात में डाल दिए हैं। जो हमने चाशनी तैयार की थी वो हम परात के अंदर डाल देंगे। अब हम एक बार मिक्स करेंगे। ये सारी चाशनी ये शक्करबारे पी जाएंगे। इस तरह हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे।
जब तक ये शक्कर वाले चाशनी मुकम्मल पी नहीं जाते तब तक हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहेंगे। ये मुकम्मल ड्राई हो गई है। अब हम हल्का सा नारियल का बुरादा और दोबारा से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी ये मिठाई तैयार हुई है। जिस तरह आप मार्केट या बेकरी से ये शक्करबारे लेकर आते हैं वैसी ही ये तैयार हुई है। अंदर से एकदम ये जालीदार तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई वाले बहुत ही मजेदार शक्करबारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा से मेरी दुआ है कि ऐसी ही स्वीट स्वीट मिठाइयाँ घर में बनाते रहें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।